नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भोजपुरी के स्टाइलिश सुपरस्टार चिंटू पांडे ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि अभी तक भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया है दोस्तों। यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद चिंटू पांडे के नाम हो गया है दोस्तों। और चिंटू पांडे जी ने अपने गाने के जरिए भोजपुरी में सबसे बड़ा तीसरा रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। इससे पहले भोजपुरी के पावर स्टार और दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई नहीं बना पाया है दोस्तों। और वह रिकॉर्ड है 200 मिलियन व्यूज का। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के ही गाने यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज के आंकड़े पार किए हैं और इनके अलावा किसी भी भोजपुरी सिंगर का गाना 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार नहीं किया है दोस्तों। और अब इस 200 मिलियन लिस्ट में प्रदीप पांडे चिंटू का भी नाम आ गया है दोस्तों। आज से लगभग एक साल पहले प्रदीप पांडे चिंटू जी की एक फिल्म जिसका नाम है माई रे माई हमारा उहे लाइक की चाहिए, इस फिल्म का एक गाना जिसका नाम है पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ, इस वीडियो गाने को बिनर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है दोस्तों। और यह गाना यूट्यूब पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया है दोस्तों। और इस वीडियो गाने को मात्र एक साल में ही 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ से भी ज्यादा बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। और इसी के साथ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद चिंटू पांडे का यह तीसरा गाना यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज प्राप्त करने वाला गाना बन चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को चिंटू पांडे के इस नए रिकॉर्ड के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।